हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेहा टेरिस गार्डन। फ्रेंड्स, आज संडे है, संडे गार्डन अपडेट का दिन। तो आइए देखते हैं, नवंबर का लास्ट वीक भी है ये। गार्डन में कौन कौन से फ्लावर बने हुए हैं अभी और कैसे अपनी खूबसूरती बिखेर रहे हैं, चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं कॉस्मोस से। देखिए, ये रेड कलर का मल्टी पेटल कॉस्मोस है, बहुत ही प्यारा लगता है ये। बहुत ही छोटे से प्लांट में बहुत ही बल्क में फ्लावरिंग होती है ये। ये ड्वार्फ वैरायटी है, बहुत ही अच्छी होती है। और यहाँ पे देखिए मैरीगोल्ड में भी अच्छी फ्लावरिंग चल रही है। विंटर का बहुत ही अच्छा फ्लावर होता है मैरीगोल्ड, और हमारे गार्डन को एक अलग ही लुक देता है। और तीन चार कलर्स में आते हैं ये, और वैरायटी तो इनकी बहुत सी होती है और सभी बहुत ही प्यारे होते हैं। ये टिकोमा, इस पॉट में टिकोमा के दो प्लांट्स लगे हुए हैं और दोनों अलग अलग कलर्स के हैं। ये देखिए, ये वाइन कलर में है और इसी के साथ में पिंक कलर में है। टिकोमा का प्लांट भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। एक बार आप अपने गार्डन में इसको ले आते हैं तो इसके सीड्स से नए नए प्लांट बनते रहते हैं और पूरे 12 महीने ये हमारे गार्डन में ऐसे ही फ्लावर देते रहते हैं। छोटे से प्लांट में बल्क में फ्लावरिंग होती है। पूरा पॉट गुलदस्ता सा लगता है अगर अच्छे से केयर करो इसकी तो। और ये देखिए पिटूनिया तो विंटर का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। पूरा पॉट प्लांट से भर जाता है और फ्लावर ही फ्लावर दिखते हैं। अभी अभी मैंने इसे रिपोर्ट किया है, अभी छोटे हैं प्लांट। जब इनमें अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी तब देखिएगा, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये और बहुत सारे कलर वैरायटीज में आते हैं। यहाँ पे देखिए सारे विंका के प्लांट्स रखे हुए हैं और देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अलग अलग वैरायटीज में हैं, सभी हेल्दी प्लांट्स हैं। ये देखिए मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी, ये सिंगल पेटल में है, ये भी सीड्स से ही ग्रो हुआ है। और ये देखिए यहाँ पे है हिबिस्कस। अभी सुबह के 7 बजे हैं इसलिए फ्लावर पूरी तरीके से खुले नहीं हैं अभी। इधर मेरे सारे हिबिस्कस के प्लांट्स रखे हुए हैं और ये कुछ मैंने सीड्स लगाए थे मॉर्निंग ग्लोरी के, इनमें फ्लावर आने के लिए बर्ड्स बन गए थे लेकिन बंदरों ने पूरा पत्तियां खा दिए। पता नहीं उनको कुछ और लगा कि क्या, पूरा प्लांट ही डैमेज कर दिए थे इसलिए इनकी फ्लावरिंग थोड़ी सी लेट हो गई। और ये देखिए साइप्रस वाइन रेड कलर का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके फ्लावर आज ही आए हैं फर्स्ट टाइम। और ये देखिए कुछ भथुआ भाजी होता है हमारे यहाँ, इसको खाना बहुत ही अच्छा रहता है, औषधीय गुण होते हैं बोलते हैं इसमें, पर एक ही प्लांट है, मैं क्या करूँगी इसका। ये देखिए रेड कलर में साइप्रस, और यहाँ पे देखिए वाइट कलर में फिर से साइप्रस ही है। इसके दो पॉट है यहाँ पे और ये सारे मैंने सीड्स से जर्मिनेट किए हैं। सीड्स मैंने ऑनलाइन परचेस किए थे इनके। और यहाँ पे देखिए फिर से मॉर्निंग ग्लोरी, ये मैरीगोल्ड, फिर से मैरीगोल्ड की बहुत सारी वैरायटीज मेरे गार्डन में फ्लावर दे रहे हैं। और अच्छी बात है कि सारे मैरीगोल्ड्स मैंने सीड्स से और कुछ कटिंग्स से जर्मिनेट किए हैं। इस बार मैंने मैरीगोल्ड के 2 ही 3 वैरायटी परचेस किए जो मेरे पास नहीं थे, बाकी बहुत सारी वैरायटीज मेरे पास सीड्स से फ्री में ग्रो हो गए। और यहाँ पे देखिए ये हिबिस्कस का पॉट है, हिबिस्कस में तो भी फ्लावर नहीं है इसमें, लेकिन ये देखिए गोमफ्रेना सीड्स मैंने डाल दिए थे यहाँ पे और सारे बहुत अच्छे से देखिए हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। मेरे पास इसके 2 पॉट रेडी है इसलिए मैंने इन प्लांट्स को इसी पॉट में रहने दिया, ये भी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ पे देखिए पीछे ये भी हिबिस्कस का ही पॉट है, इसमें भी देखिए गोमफ्रेना और उधर पीछे विंका लाइट पिंक कलर में है। काफ़ी सारे पॉट्स मैंने इनके रेडी कर लिए हैं इसलिए इनको इसी में रहने दिया। और ये देखिए गोमफ्रेना की एक और कलर, ये बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला कलर। मैंने दोनों कलर के एक एक पॉट रेडी किए हैं। ये नागचंपा, नागचंपा में देखिए
अभी भी बहुत ही अच्छे से फ्लावर आए हैं प्लांट में, पूरा ऊपर दिखाते नहीं बनता है, मेरे हाइट से भी ज़्यादा है इसका हाइट। और ये अब डोरमेंसी पीरियड में जाने वाले हैं, लेकिन अभी उतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है इसलिए इनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है अभी। और ये देखिए कॉस्मोस, ये तो आपने मेरे काफ़ी सारे शॉर्ट्स वीडियो में देखे होंगे, मैंने ये मुझे इतना अच्छा लगता है और इसका शॉर्ट्स बनाओ तो ये बहुत ही अच्छा व्यू देता है, मैं शेयर करते रहती हूँ, आपने देखा भी होगा। देखिए बहुत ही प्यारा लगता है ये, और बहुत ही इजी टू मेंटेन प्लांट होता है, कटिंग से सीड्स से रेडी हो जाता है इजीली। मैंने इसके जितने भी कटिंग लगाए हैं सभी बहुत ही आसानी से रेडी हो गए, बहुत अच्छा प्लांट है ये, इसको गार्डन में ज़रूर रखना चाहिए। और देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये, ये है कोरियोप्सिस, इसको कोरियोप्सिस कहते हैं। ये भी मैंने सीड्स ऑनलाइन मंगाए थे अपने एक फेसबुक फ्रेंड से, वो सीड्स परचेस करते हैं, उनसे मंगाए थे मैंने। और देखिए बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग चल रही है, प्लांट भी बहुत ही हेल्दी ग्रो हुआ है। और यहाँ पे जीनिया अब काफ़ी दिन हो गए इनको ब्लूमिंग करते हुए, अब पुराने हो गए हैं, इनके सीड्स से नए प्लांट्स बनाने पड़ेंगे मुझे, और जैसे ही नए प्लांट बनते हैं मैं इनको हटा दूंगी। और यहाँ पे देखिए एक और मैरीगोल्ड सीड्स से जर्मिनेट हुआ है, नए नए फ्लावर्स आने को तैयार हैं इसमें, अब फ्लावर आने के बाद ही पता चलेंगे कि ये कौन सी वैरायटी के हैं। और यहाँ पे देखिए फिर से विंका वाइट कलर में, और इधर मेरे सारे कलैंचो के प्लांट रखे हुए हैं। कलैंचो मैंने फर्स्ट टाइम अपने गार्डन में एड किया था इस समर, उसी की कटिंग्स से मैंने बहुत सारे प्लांट रेडी कर लिए हैं, और अब कुछ में बर्ड्स भी आने लग गए हैं फ्लावर के लिए, कुछ प्लांट में इंसेक्ट लग गए हैं उसके कारण से पत्तियां खा जाते हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है उससे। और मैं बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का यूज़ नहीं करती हूँ अपने गार्डन में, अगर वो दिख जाते हैं तो उनको मैं रिमूव करना ज़्यादा पसंद करती हूँ इंसेक्टिसाइड डालने से, कभी कभार ही मैं इंसेक्टिसाइड का यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे देखिए पेंटास, पेंटास भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, छोटे से प्लांट में बल्क में फ्लावरिंग होती है। ये पर्पल कलर, इसमें कल मैं वाटरिंग करना भूल गई थी तो पूरा प्लांट आज मुरझा गया है। और इधर देखिए फिर से मैरीगोल्ड, ये देखिए बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है, और अपने सीड्स से जो ग्रो हुए प्लांट्स होते हैं वो बहुत ही हेल्दी होते हैं, नर्सरी से लाए हुए प्लांट कुछ दिन अच्छी फ्लावरिंग करने के बाद ख़राब होने लगते हैं, लेकिन हम जो प्लांट खुद से रेडी करते हैं अपने गार्डन के सीड्स से वो बहुत ही हेल्दी ग्रो करते हैं। ये देखिए ये भी मैंने सीड्स से ही ग्रो किया है, ये सारे सीड्स ग्रोन हैं, ये भी ये वाला मैंने नर्सरी से परचेस किया था, फ्लावर तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन जो नए बर्ड्स इसमें बन रहे हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं इसके। ये देखिए मैरीगोल्ड की एक और वैरायटी, बहुत ही सुंदर लग रही है, मैरून और येलो का मिक्स है इसमें। और यहाँ पे देखिए ये सारे मैंने कटिंग से रेडी किए हैं, और ये देखिए इस पर भी इंसेक्ट का अटैक दिख रहा है, ये डहलिया है, मिनी डहलिया। यहाँ पे देखिए विंका की एक और कलर, और ये देखिए इस प्लांट को तो सभी जानते होंगे, ये जैस्मिन है, और स्पेशली ये विंटर में ब्लूम करने वाली वैरायटी है जैस्मिन की, कुंदा भी कहते हैं इसी को। देखिए बर्ड्स ही बर्ड्स दिख रहे होंगे आपको इसके सारे ब्रांचेस में, इसको मैंने जब ये डोरमेंसी पीरियड में था रेनी सीजन में तब पूरा हार्ट प्रून किया था, और उसी का देखिए रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है, सारे हेल्दी ब्रांचेस आए हैं और पूरे बर्ड्स ही बर्ड्स दिख रहे हैं। और इधर देखिए मिनी चांदनी, मिनी चांदनी में भी प्लांट तो मेरा बहुत ही हेल्दी है, फ्लावर अभी थोड़े से कम हो गए हैं, ये भी डोरमेंसी में जाने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए जीनिया इसी में उगा हुआ है, बहुत ही अच्छे से फ्लावर दे रहे हैं ये, और विंका भी है इसमें। और ये कुछ
रैन लिली के बल्ब मैंने निकाले थे वो इसमें रख दिए हैं, ये भी जर्मिनेट हो रहे हैं। बहुत सारे रैन लिली के पॉट मेरे पास रेडी हो गए हैं, अब नए प्लांट्स लगाने के लिए हटाना पड़ेगा कुछ को। और ये देखिए हिबिस्कस, ये मैंने कटिंग से रेडी किए हैं। और ये देखिए इसमें बर्ड्स भी आ गए हैं, कैमरे में क्लियर नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए ये छोटे छोटे बोगनविलिया मैंने सैपलिंग से इनको ऐड किया है अपने गार्डन में। ये देखिए गोमफ्रेना, गोमफ्रेना के दो पॉट मैंने रेडी किए हैं, बताए थे ना वही है ये। और यहाँ पे पिंटास, पिंटास की ये मैंने कटिंग से रेडी किया है ये दोनों प्लांट को। देखिए कटिंग से रेडी हुआ है प्लांट, एकदम हेल्दी ग्रोथ कर रहा है बहुत ही अच्छे से। और ये बालसम, ये रेनी सीजन का ही प्लांट है ये बालसम, जिसको मैंने प्रून कर दिया था और प्रूनिंग के बाद इसमें फिर से फ्लावर आ रहे हैं। और यहाँ पे देखिए रैन लिली, आज रैन लिली में बहुत ही सुंदर फ्लावर आया है। ये ग्रैंडी फ्लोरा वैरायटी की रैन लिली है ये वाला पॉट, काफ़ी सारे पॉट है अलग अलग वैरायटी की, एक ही में आया है फ्लावर आज तो इसमें। इधर रखे हुए हैं मेरे सारे इम्पेशेंस, इम्पेशेंस भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है विंटर का, पूरा पॉट धीरे धीरे भर जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा जब ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा तो देखिए। और इधर रखे हुए हैं सारे ये फोर ओ क्लॉक के प्लांट है, ये सारे मैंने सीड्स से जर्मिनेट किए हैं। देखिए हेल्दी ग्रोथ हो रही है, अब इनमें फ्लावर आएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता। ये देखिए ये इसमें बर्ड्स आ रहे हैं, तो अब इसमें फ्लावर भी आएंगे। मुझे इसका आइडिया नहीं था, मैंने सीड्स लगा तो दिए थे पर ये कब फ्लावरिंग करता है। आज देखने से पता चल रहा है कि सभी में छोटे छोटे बर्ड्स निकल रहे हैं, तो अब इनमें फ्लावरिंग भी होगी। और ये देखिए यहाँ पे रखी हुई है सारी गुलदावरी क्रिसेंथेमम के प्लांट्स, अभी अभी मैंने इनमें फर्टिलाइज़र दिया है, ड्राई फर्टिलाइज़र। और कौन सा ड्राई फर्टिलाइज़र दिया है मैंने चैनल पे स्पेशल वीडियो भी शेयर किया है, आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। और बहुत ही अच्छा टाइम है ये फर्टिलाइज़र देने का, उसके बाद आगे फिर से फर्टिलाइज़र नहीं देना पड़ेगा। और पीछे रखे हैं सारे रोज के प्लांट, इधर देखिए कुलियास, कुलियास की तीन चार वैरायटी रखी हुई है। और साइड साइड से मैंने जीनिया के प्लांट्स रख दिए हैं, प्लांट्स सब पुराने हो गए हैं लेकिन देखिए बहुत ही गुच्छों में बल्क में फ्लावरिंग है। और पीछे कुलियास रखा हुआ है तो ये वाला व्यू बहुत ही अच्छा लगता है, एकदम जैसे जंगल में फ्लावर खिले रहते हैं वैसे ही लुक मैंने यहाँ पर बनाया है। और ये देखिए पीछे क्या रखा हुआ है, पोनसेटिया, पोनसेटिया देखिए ये इसका मदर प्लांट है और ये छोटे से पॉली बैग में मैंने लगा रखा है, बंदर ने इसके प्लांट्स तोड़ दिए थे पिछले साल, उसी को मैंने छोटे से पॉली बैग में लगा दिया था और जितने भी कटिंग्स लगाए थे सभी ग्रो कर गए। और ये देखिए अब इनमें फ्लावर भी आने लग गए हैं, पत्तियों का रंग देखिए बहुत ही अच्छा हो रहा है। अब इसे मुझे किसी ऐसे जगह पर रखना पड़ेगा जहाँ पर इसको धूप एक आध घंटे की बस पड़े, ज़्यादा धूप में नहीं रखना चाहिए विंटर में, कम धूप पड़ेंगे तो इसके कलर और खिल के आएंगे। यहाँ पे देखिए मांडे विला और पीछे आलमांडा, इसमें भी अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं बहुत प्यारे प्यारे। और ये देखिए टिकोमा, टिकोमा की ये वाली वैरायटी देखिए ये येलो और रेड का सेडेड है, और इसी के पीछे आप देखिए ये पिंक कलर में टिकोमा है, बहुत ही प्यारा लगता है ये पिंक कलर, पिंक कलर का टिकोमा थोड़ा सा हैवी फीडर होता है, इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही होती है, लेकिन जब एक बार ये फ्लावरिंग स्टेज पे आ जाते हैं तो ये फ्लावर देते ही रहते हैं। ये बालसम, चाइनीज बालसम है, इसके थ्री प्लांट्स मैंने अभी अभी ऐड किए हैं पिछले महीने नहीं इसी महीने ऐड किए थे, यही कोई 15 दिन पहले। ये वाइट कलर के फ्लावर आ गए हैं, बाकी दो के कलर्स मुझे मालूम नहीं है। और ये कुछ प्लांट्स मैंने सीड्स से रेडी किए थे और ये सीड्स मैंने मीशो से परचेस किए थे, और देखिए बहुत ही अच्छे से कुछ प्लांट्स रेडी हो गए हैं, कुछ ख़राब भी हो गए
सीड्स ग्रो करने का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था मुझे, लेकिन सारे मैंने कोकोपीड में ही जर्मिनेट किए थे। जर्मिनेशन तो बहुत अच्छी आई थी, लेकिन उसके बाद केयर नहीं कर पाई मैं, और कुछ में इंसेक्ट वगैरह भी आ गए तो ख़राब हो गए। लेकिन ये देखिए, ये एनुअल क्रिसेंथेमम है, इसके दो पॉट मैंने रेडी किया है, एक ये वाला, और बहुत ही अच्छे से हेल्दी ग्रो कर रहा है। और ये देखिए होली होली हॉक, ये भी मीशो से ही सीड्स लिए थे। और यहाँ पे देखिए कैलेंडुला, और ये ल्यूपिन ऐसा कुछ नाम है इसका, मुझे तो पता नहीं है, फर्स्ट टाइम इसके फ्लावर देखूंगी मैं। और ये कुछ डहलिया, डहलिया के भी सीड्स अच्छे से जर्मिनेट हुए थे, पर प्लांट्स कीड़ों ने खराब कर दिए। अब देखते हैं इनमें कौन से फ्लावर आते हैं। और ये देखिए ये मैरीगोल्ड, ये भी मीशो से जो मैंने कॉम्बो पैक मंगाया था सीड्स का, उसमें था, तो इसको भी यहाँ पे लगा दिया है। कोकोपीट में लगे होने के कारण से इनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इनको अपना जो पॉटिंग सॉइल होता है उसमें शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं इनकी ग्रोथ होने के बाद फ्लावर आते हैं कि नहीं। वैसे जिनको बहुत ही अच्छे से आइडिया है सीड्स ग्रो करने का, वो मीशो से वाला परचेस कर सकते हैं। यही कोई 115 रुपए में मुझे मिला था, बहुत ही अच्छा कॉम्बो पैक था, और सीड्स के जर्मिनेशन रेट भी बहुत ही अच्छे थे। लेकिन कुछ प्लांट्स का आइडिया नहीं था कि वो कैसे केयर करेंगे ग्रो होने के बाद, तो कुछ ख़राब हो गए, और कुछ जो हार्डी टाइप के प्लांट्स होते होंगे वो रेडी हो गए बढ़िया से। ओके फ्रेंड्स, और लास्ट में देखिए ये मैक्सिकन पिटूनिया, मैक्सिकन पिटूनिया भी बहुत ही अच्छा हार्डी प्लांट होता है, और ऐसे T3 कलर्स में इसके फ्लावर आते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यही कुछ शेयर करना था। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और जो भी व्यूअर्स चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, कृपया सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।